वंदे मातरम दर्शक मित्रों, आप देख रहे स्टार न्यूज नेटवर्क और मैं विजयकांत। मुख्यमंत्री कन्यादान सामूहिक विवाह समारोह में 45 जोड़ों का विवाह एवं 2 जोड़ों का विवाह संपन्न किया गया। डिमरखेड़ा 13 मार्च मुख्यमंत्री कन्यादान सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत सोमवार को डिमरखेड़ा में आयोजित विवाह समारोह के दौरान 47 जोड़ों का विवाह वैदिक रीति रिवाज के साथ सम्पन्न कराया गया। विवाह उत्सव में पुरोहित ने वैदिक मंत्र उच्चारण करके वैवाहिक रस्मों को पूर्ण कराया। डिमरखेड़ा में आयोजित मुख्यमंत्री कन्यादान सामूहिक विवाह समारोह में पिंडरई निवासी दिव्यांग रामदास पटेल, पिता स्वर्गीय फागू राम पटेल एवं दिव्यांग संगीता पटेल का विवाह संपन्न हुआ। इस मौके पर मौजूद लोगों ने वर वधू को आशीर्वाद देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के माध्यम से सरकार द्वारा गरीब लाभार्थी परिवार की बेटियों को शादी के लिए 55,000 की वित्तीय धनराशि प्रदान की जाती है। योजना के माध्यम से गरीब परिवार की बेटियों को खाते में 55,000 की राशि से 11,000 की धनराशि ट्रांसफर की जाती है तथा 38,000 की सामग्री वधू के उपहार स्वरूप आयोजन किया जाता है। निकाय द्वारा शेष 6,000 रुपये सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजन आयोजन कराया जाता है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के माध्यम से सरकार द्वारा गरीब लाभार्थी परिवार की बेटियों को शादी के लिए 55,000 की वित्तीय धनराशि प्रदान की जाती है। योजना के माध्यम से गरीब परिवार की बेटियों के खाते में 55,000 की राशि फिर से 11,000 की धनराशि ट्रांसफर कराई जाती है। 38,000 की सामग्री वधू के उपहार स्वरूप आयोजन किया गया। शेष 6,000 रुपये सामूहिक विवाह कार्यक्रम के आयोजन हेतु आयोजनकर्ता निकाय को दिया जाता है। सामूहिक विवाह कार्यक्रम के दौरान सांसद प्रतिनिधि प्रदेश गौतम, जनपद अध्यक्ष सुनीता संतोष, दुबे मंडल अध्यक्ष गोविंद प्रताप सिंह, प्रशांत राय जिला सदस्य, प्रिया सिंह कविता, जनपद उपाध्यक्ष दुर्गा पारस पटेल, मुख्य कार्यपालक अधिकारी विनोद पांडे, SDM नदीमा सिरी, तहसीलदार प्रियंका नेता सहित भारी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। न्यूज रिपोर्ट सत्येंद्र वर्मन की। यहाँ लगावा ना मैं भैया वहाँ को थोड़ा लगो तो जी। भाई साहब आप कहाँ से? मैं जी बिहारी। अच्छा, तो ये क्या समस्या है आपकी? यहाँ पर कुछ सामान हमको कम मिला है। जैसे कि बर्तन का एक सेट हो गया जी, और दूसरा वो गद्दा रजाई कहलाया, और आपको और क्या समस्या यहाँ समझ में आई? और पूछ के बता रहा हूँ। खाना पीना और बैठने बैठने की जैसे हो? चल ठीक है, वो कोई हैरान नहीं। कन्या विवाह योजना सामूहिक विवाह, इसमें सम्मिलित हुए सभी तहसील ढीमरखेड़ा में और सभी जूनियों को मेरी तरफ से बधाई एवं शुभकामनाएं। मैडम जी, ये जो कार्यक्रम है इसमें अव्यवस्थाएं कुछ ज़्यादा दिखाई पड़ी हैं, जैसे भोजन हो गया, पानी हो गया। हाँ हाँ, थोड़ा अव्यवस्थाएं थी यहाँ, मतलब पानी की व्यवस्था होना चाहिए था। सब लोग दूर दूर से आए हुए हैं, सभी के घर वाले, तो उनको व्यवस्था होना चाहिए था खाना पीना की, तो थोड़ा इसमें व्यवस्था की थोड़ा कमी थी। अरे मैडम, देखते रहे स्टार न्यूज़ नेटवर्क और बने